हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको नए तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चार निडल आगे और चार निडल पीछे की हुई हैं। तो आपको नॉर्मल जैसे फंदे डालते हो, सारे फंदे डालने के बाद जब आप डिज़ाइन को कंटिन्यू करोगे तो इस तरह से करना है आपको। चार निडल आपको छोड़ देनी है, दो फंदे यहाँ से निकाल कर इधर डाल देने हैं और इस साइड से फंदे निकाल कर दूसरी साइड डाल देने हैं। फिर इसी तरह से चार चार निडल का आप गैप करते जाओगे। जब आप दो फंदे यहाँ से निकाल कर इधर डाल दोगे और दूसरी साइड से निकाल कर दूसरी साइड डाल दोगे तो इस तरह से चार निडल आगे और चार निडल का पीछे का गैप हो जाएगा। उसके बाद आप आठ सलाइयाँ लगाओगे। आठ सलाइयाँ लगाने के बाद आपको क्या करना है, निडल को शिफ्ट करना है। ये जो चार निडल आगे हैं उसमें से किनारे वाले को इस तरह से, यानी कि लेफ्ट हैंड से आपको राइट हैंड अभी शिफ्ट करनी है। ये जो आपकी के फंदे हैं इस तरह से देखिए कर दिया। उसके बाद जो हमने ये आठ सलाइयाँ लगाई हैं इसमें से फंदे आप ये लोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। नहीं भी गिनोगे तो भी पता लग जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए दिखा देती हूँ। इसको लिया, इधर डाल दिया जो खाली वाली हमारी निडल है ना उसमें, और इसके बराबर वाली निडल को भी आगे कर दी जिससे हम कैरेज चलाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो खाली वाली निडल है इसमें डालना है और इस निडल को भी आगे कर दिया हमने। इस तरह से खाली वाली निडल में हमें डाल देना है। इसको आगे करने से हो जाता है कैरेज आपका आराम से चल जाएगा। एक सलाई लगाने के बाद वापस से फंदे जहाँ पर थे उसी पोजीशन पे हमें कर देने हैं। ये चार चार निडल का देखिए गैप हो गया आपका इस तरह से। फिर से आपकी चार निडल आ गई और चार निडल पीछे हो गई, एक सलाई लगाई। इसके बाद अब आप देखिए क्या करना है। अब ये जो फंदे हैं ना इनको हमें शिफ्ट करना है। दो फंदे लिए, एक बार आप राइट साइड से करोगे और एक बार लेफ्ट से, इस तरह से राइट से और फिर लेफ्ट से। एक बार इधर से इधर लाना है, एक दूसरी बार इधर से इधर लाना है। यहाँ पे आपका देखिए चार चार निडल का फिर से गैप आ जाएगा, चार निडल आगे चार निडल पीछे। अब ये शिफ्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको कैरेज चलाना है। कितनी सलाइयाँ मैंने लगाई थी, आठ सलाइयाँ। तो आप देखिए जैसे ये हमने आठ सलाइयाँ चलाई हैं इसी तरह से उठाओगे इसमें और इसके बराबर वाली निडल को हम आगे की साइड कर देंगे जिससे हमारा फंदा आराम से बिन जाए। इसको उठाया, इधर डाल दी। तो एक बार इस साइड से करना है इसी तरह से और सेकंड स्टाफ में इस तरह से करना है दूसरी साइड से दोनों किनारों से। अब उसी तरह से एक सलाई चलानी है जैसे इस तरह से करने का मैंने नीचे स्टेप किया था ना, एक सलाई चलाई थी। फिर वही करना है आपको जहां पे आपके फंदे थे उसी पोजीशन पे। इस साइड से निकाले थे वापस से उसी साइड में।
उसके बाद जैसे बताया था आपको कि ये शिफ्ट करना है आपको फंदे, अब शिफ्टिंग उसी तरह से जैसे बताया था आपको, पहले क्या की थी इधर से उधर की थी, अब ये पोजीशन चेंज हुई, फिर ये फिर से वही चार चार निडल का आपका गैप हो जाएगा। तो एक बार इस साइड से और दूसरी बार दूसरी साइड से इस तरह से, फिर वही आपके फंदे उसी तरह से आगे चार निडल आगे चार निडल पीछे। फिर इसी स्टेप को रिपीट करना है, फिर आपको आठ सलाइयाँ लगानी है, जैसे यहाँ पे आठ लगाई आप यहाँ पे चार या छः भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी स्टेप को दोहराना है आपको, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जिस तरह से मैंने रिपीट किया था, तो इसी स्टेप को रिपीट करते हुए देखिए मैंने नीचे की साइड बनाई हुई है, यहाँ पे देखिए तो आपकी इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होगी। थैंक यू।